नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं एक ऐसे फूल के बारे में बता रहा हूँ कि वैसे तो इसको सीजनल कहते हैं, लेकिन ये एनुअल है, यानी कि पूरा साल चलता रहता है, फूल देता रहता है। बस थोड़ी सी आपको केयर करने की ज़रूरत है। मैं दो टिप्स बताऊँगा और उस दो टिप्स से आप पूरे साल फूल ले लेंगे। साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि एक पौधा अगर आपके घर में है तो उससे हम नए पौधे और समय से पहले कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे इसका लगाने का टाइम होता है अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, लेकिन क्या करते हैं हम बीज बोते हैं अक्टूबर में, वो काफ़ी लेट चला जाता है। तो ऐसे में क्या है कि बीज बोने से पहले ये जो पौधे देख रहे हैं इसी में से हम नए पौधे तैयार करने की विधि आपको बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे इसको कैसे टेकिंग केयर करें, क्या इसको दें कि ये जो फूल है पूरा फूल भरा रहे और पूरे साल 12 महीने 30 दिन 24 घंटे फूल आपको इसमें मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम कि इसमें टेकिंग केयर क्या करें कि इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आए, और फिर हम चलेंगे कि इसकी कटिंग्स यानी कि इसके टहनियों से हम पौधा कैसे बना लें ताकि हमारा जो बीज बोने का उगाने का समय है वो ख़त्म रहे, मतलब कि टाइम ना लगे। और दूसरी बात, जैसे मान ली कि एक खूबसूरत फूल है, ये कलर आपको पसंद है, बीज में आपको यही कलर पता नहीं लगेगा कि बीज के यही कलर है बीज में या नहीं है, तो ऐसे में क्या आप देख करके कलर वाइज अपनी कटिंग्स को अपने हिसाब से लगा सकते हैं। टिप्स नंबर एक, सबसे पहले इसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए ये जो फूल आपको दिख रहा आ गया, इसको देखिए काटना कहाँ से है, ये जहाँ से ये ख़त्म हो गया इसको ख़त्म कर लेना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से काट के, ऐसे काटने से ये सुंदर भी लगेगा और साथ ही साथ जो है फ्लावरिंग जो है हमारी वो पूरी भरी पूरी रहेगी। नहीं तो ये क्या करता है कि जैसे फ्लावरिंग हुई और ऐसे ही छोड़ दिया आपने, तो ये हमारी अगले आने वाली फ्लावरिंग को रोक देता है, यानी कि एक तरह से उसके ऊपर बंधन सा लग जाता है और हमारी फ्लावरिंग होती नहीं। फिर लोग ये सोचते हैं कि भाई शायद ये सीजनल था, ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं है, इसकी फ्लावरिंग आपकी पूरे साल चलती रहेगी। बस आपको ये छोटी छोटी टिप्स का इस्तेमाल करना है। देखिए अभी कटने के बाद ही कितना बढ़िया ये लगने लगेगा हमें, ये देखिए। तो इस तरह से जो फ्लावरिंग है उसको बचा के और जो सूखा हुआ पोर्शन है उसको हमने ऐसे कट कर देना है। मैं एक कट करके दिखाऊंगा, ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा आपका। ये ध्यान से देखिए कि काटना कहाँ से है, जैसे ये ख़त्म है इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। तो कट करने के बाद एकदम देखेंगे थोड़ी देर में, जैसे हम कटिंग करा के आते हैं या नहा धो के आते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, सेम इसी तरह से फ्रेशनेस इसके ऊपर आ जाएगी, इस पौधे के ऊपर। तो दोस्तों देखिए इसकी कटिंग, जो हमने जितने सूखे फूल पत्ते थे इसकी कटिंग करने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी नया फ्रेश पौधा है। और इसी के साथ हम इसको देखें तो ये लग रहा है कि पुराना ऐसा मरा हुआ सा पौधा नज़र आ रहा है, फूल हैं इसमें, लेकिन इसकी सफाई के बाद कितना निखर के आ गया है। अब टिप नंबर एक, टिप नंबर दूसरा टिप क्या है, अब ऐसे में इसको पूरी फ्लावरिंग लेनी है तो हमें क्या करना होगा, पूरी फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना है, इसके रूट को खाद देना है। खाद कौन सा देना है, अक्सर लोग गोबर खाद डाल देते हैं, लेकिन गोबर खाद से सारा कंप्लीट नहीं होता। फ्लावरिंग के लिए देखिए पोटास की भी ज़रूरत होती है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मतलब सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तभी ये पौधा जो है पूरी तरह से फूलों से भरेगा। क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर का लगा हुआ पौधा है और अभी तक इसको लगभग 8 महीने हो चुके हैं, तो 8 महीने में इन गमलों में कुछ नहीं डालेंगे तो ये तो ज़बरदस्ती ही फूल दे पाएगा ना। लेकिन अच्छा फूल लेना है तो उसके लिए हम डालते हैं, देखिए ये फ्लावर बूस्टर, कोई भी फ्लावर बूस्टर आप डाल सकते हैं। हम डाल रहे हैं इसका सीजनल फ्लावर फूड जो है, इसको डालते हैं और इसकी इस गमले में मैक्सिमम 3 मुट्ठी पड़ेगी। अब टाइम कितना लगेगा, 2 महीने बाद आपको फिर से डालना होगा, 2 महीने से पहले कोई नहीं डालना है, और ये पूरी फ्लावरिंग करेगा। साथ ही मैं आपको इसके पौधे भी बनाना सिखाऊंगा। तो ये देखिए डालने का तरीका क्या है, ये जो है इस तरह से मिट्टी आपने खोदनी है थोड़ी थोड़ी ऐसे, ये देखिए हल्की हल्की मिट्टी आपने खोद ली, और जो हमारा फ्लावर बूस्टर है ये देखिए फ्लावर पैकेट है, इसमें से हम डाल दे रहे हैं, एक मुट्ठी हमने यहाँ ऐसे डाल देना है और इससे मिट्टी से ढक देना है। अब दूसरी तरफ घुमाएंगे और एक जगह डालेंगे तो वो क्या है कि एक साइड की रूट्स को मिल जाएगा न्यूट्रिशन, दूसरे साइड को नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें घुमा के पूरे में डालना होता है। दूसरी मुट्ठी हमने यहाँ डाल दी, अब इसको घुमा के तीसरी साइड में ले जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ भी हमने हल्का हल्का खोलना है जड़ को डिस्टर्ब किए बगैर, और इसमें ये ऐसे डाल देना, ये हमारा फ्लावर बूस्टर इसके अंदर डल गया। ये 2 महीने यानी कि अभी हम जून स्टार्टिंग में हैं,
अब जो है हमें जुलाई एंड में या अगस्त में इसको दोबारा से डालना है। अगर कहीं कीड़ा लगे तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं जो कि 3000 ppm का होता है, या ऑर्गेनिक स्प्रे या जो भी मेडिसिन है आपको वो स्प्रे कर सकते हैं। तो ये देखिए कि ये डालने के बाद ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब जो दूसरी बात मैंने बताई वो ये है कि इसकी कटिंग से पौधे कैसे तैयार कर लें ताकि हमारा यही सेम कलर जो हमें पसंद है, हमारी डिज़ायर है, वही पौधा हमें मिल पाए। तो ये देखिए हमने क्या करना है इस पौधे की, अब ये देखेंगे कटिंग जिसमें फ्लावर नहीं आ रहा है, जिसमें फ्लावर नहीं आ रहा है या एक आध है भी तो उसको हम हटा सकते हैं। ये देखिए इस तरह का हम कटिंग इसकी निकालेंगे। ये देखिए ये निकाली हमने कटिंग, और इसको हमने लगाना कैसे है ये मैं बता रहा हूँ आपको, गौर से देखिए ताकि आप अपने घर में इसके नए पौधे तैयार कर सकें। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग निकाल लेनी है इसकी, फिर आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कैसे प्रोसेस करना है ताकि इनमें रूटिंग हो जाए और नए पौधे हमारे तैयार हो जाए। बड़ा सिंपल तरीका है लेकिन इफ़ेक्टिव है, ये जो कलर आपको चाहिए वही कलर आपका तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग काट ली इसकी, और बाकी में इसमें फ्लावरिंग आएगी। अब जो ये कटिंग काटी है इसमें रूटिंग के लिए हमने क्या करना है ये देखने वाली बात है। ये देखिए इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ भी खाद कुछ नहीं डालना है, सिंपल नदी की रेत जो होती है वो नदी की रेत ले सकते हैं या रेतीली मिट्टी है वो ले सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना है आपने धूप में स्टरलाइज कर लेना है। जैसे आजकल गर्मी है तो धूप में अच्छे से सुखा लेना है ताकि कोई बैक्टीरिया फंगस हो तो वो निकल जाए। इस तरह का देखिए ये सैंड तैयार हो गया, और कोई मिट्टी का कसूरा ले लें कैसा भी ले सकते हैं, उसमें इस रेत को भरना है, कोई खाद नहीं डालना है, नीचे होल ज़रूर होना चाहिए। इतना करने के बाद हमें इन पत्तों को थोड़ा तोड़ लेना है, कम कर देने हैं पत्ते नीचे से ताकि हमारा पौधा जो है लोड कम हो जाए और जल्दी से जल्दी रूटिंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरह से निकालना है पत्तों को बड़े आराम से, ये निकल गया जी पत्ता, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो टूटने का चांस रहता है इसलिए थोड़ा आराम से ही करना पड़ेगा हमें। जैसे टूट गया अभी देखा आपने, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब रूट हार्मोन के तौर पे क्या है दोस्तों कि रूट हार्मोन लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं जिनके पास है, बाकी लोगों को रूट हार्मोन जल्दी मिलता नहीं है, तो रूट हार्मोन नहीं मिलता तो उसका भी हमने अल्टरनेट निकाला, और अल्टरनेट आप देखते ही हैं हमारी वीडियोज़ में, जो लोग देखते हैं उनको पता है, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हमने तैयार कर लिया रूट हार्मोन के तौर पर, देखिए हमने क्या करना है, ये देखिए ये हमने लेना है एलोवेरा, एलोवेरा लेना है, उसमें थोड़ा सा ऐसे होल कर देंगे और फिर क्या करेंगे इन टहनियों को ये ऐसे, ये देखिए पूरी तरह से एलोवेरा में डिप हो गई। अब इसमें जाएंगी तो ये क्या काम करेंगे, ये आदमियों के लिए इंसानों के लिए भी बहुत अमृत समान है एलोवेरा, और पौधों के लिए भी इसका हर पार्ट काम आता है। तो ये जो लग रहा है इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसकी जो गोंद सा लग रहा है एलोवेरा का, ये पौधों को फंगस से बचाएगा, फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देगा क्योंकि ये गीला रहेगा तभी रूट निकलेंगी। दूसरा क्या है, इसको रूट हार्मोन का काम करेगा, जल्दी रूटिंग में मदद करेगा। तीसरा इसमें कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है, और ज़्यादा ही होती है तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो मिलेगा, जल्दी से प्लांट ग्रोथ पे आ जाएगा। तो देखिए एक रूट हार्मोन अगर नेचुरल लगाते हैं तो उसके तीन फायदे हमें मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये बता दूँ, एलोवेरा अगर आपके घर में आसपास लगा है तो ठीक है, नहीं तो किसी से लेकर के छोटा सा टुकड़ा लेना है, उससे आपको सैकड़ों कटिंग लग जाएगी आपकी। लेकिन रूट हार्मोन के लिए कहीं ना कहीं दुकान ढूंढने पड़ेंगे, हर जगह जल्दी इजीली मिलता नहीं है, जिनको मिलता है वो रूट हार्मोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग लगा ली और हमारा मनचाहा पौधा जो है अब तैयार हो जाएगा। इसमें कटिंग में रूट निकलने के लिए मौसम का बड़ा असर रहता है, अगर मौसम ठीक ठाक है तो आपको 20 से 25 दिन में मिल जाएगा, नहीं तो 30 से 35 40 दिन भी लग सकते हैं। इसमें अब पानी डालना है ऐसे कि पूरा का पूरा ये गीला रहे, यानी कि सुबह शाम आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें तो रेत गीली रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, और रखना छाए में है, पहले 7-8 दिन तक छाए में रखिए, इसके बाद आप घंटे 2 घंटे की धूप इसको लगा सकते हैं। तो छोटे से मैं
इतने से कसोरा लेंगे और इसमें इतने पौधे निकलेंगे टाइम टू टाइम, जैसे आपने कट किया अगली बार और कटिंग निकल आएगी तो ये निकलती जाएगी, आप काट के लगाते रहिए। और इस तरह से आप एक गमला अगर आपके पास बचा हुआ है या दो गमला बचा हुआ है या तीन गमला बचा हुआ है, उससे सैकड़ों पौधे आप तैयार कर सकते हैं अपने घर में और अपने मन चाहे कलर का, यानी जो कलर आपको पसंद है खिला हुआ दिखेगा। लेकिन मार्केट से पौध लेंगे तो वो कलर आपको नहीं पता होगा कि कौन सा कलर है ये, कई बार कह देते हैं हाँ हाँ यही निकलेगा बट वो आगे निकलता नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए बहुत बढ़िया ये तरीका है, उम्मीद है तरीका आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गार्डन से रिलेटेड सारी जो जानकारी है हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। संडे को हमारी लाइव सेशन होता है जो कि गूगल मीट पे होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे उसका लिंक आ जाता है, शाम को 5 से 6 बजे तक ज्वाइन करिए। जैसे परसों संडे है तो सेशन होगा और आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गार्डनिंग सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।